हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं और चैप्टर नंबर 11 में एक्सरसाइज 11.6 का फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में द मेजर ऑफ वन ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिजियम इज 4 सेंटीमीटर मोर देन द अदर। इफ द एरिया ऑफ ट्रेपिजियम इज 80 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो स्टूडेंट्स, ये ए बी सी डी आपकी ट्रेपिजियम दे रखी है और इसमें हम लोग बी वन यानी फर्स्ट पैरेलल साइड जो है उसको हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये तो क्या हो जाएगी, एक्स प्लस फोर, क्योंकि एक पैरेलल साइड है दूसरी पैरेलल साइड से 4 सेंटीमीटर बड़ी है, लंबी है, ठीक है, ज़्यादा है, ठीक है। और इसमें दोनों जो पैरेलल साइड हैं उनके बीच में डिस्टेंस उसको एच मानते हैं, एच हाइट, इसको हाइट भी बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोला जाता है इसका, ठीक है। वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हीयर आंसर अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हीयर हीयर बी वन इज इक्वल टू एक्स, बी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस फोर। बी वन आपका फर्स्ट पैरेलल साइड है, बी टू सेकेंड पैरेलल साइड है, ठीक है। एंड एच, एंड एच है वो आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एच होता है दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो अभी एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, यहाँ से हम लोग लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रेपिजियम, वो आपका फार्मूला है 1/2 मल्टीप्लाई एच, और ये बी वन प्लस बी टू, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपिजियम आपका इसमें दे रखा है, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम कितना है, एरिया ऑफ ट्रेपिजियम वो आपका इसमें दे रखा है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 80 स्क्वायर सेंटीमीटर इसमें ये दिया हुआ है, तो ये मैं वन स्टेटमेंट डाल देता हूँ, इसको टू डाल देता हूँ, ठीक है। कंपेयरिंग वन एंड टू कर देते हैं, सम कंपेयरिंग वन एंड टू, कंपेयरिंग वन एंड टू, वन और टू को कंपेयर करते हैं तो क्या आता आपका 1/2 मल्टीप्लाई एच, और ये बी वन प्लस बी टू इज इक्वल टू 80। अभी वैल्यू रखते हैं 1/2, एच कितना आपका 10, बी वन कितना है, बी वन आपका एक्स, ठीक है, और बी टू कितना है, एक्स प्लस फोर है, एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू 80, ठीक है। अभी यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 1 2 5 4, अभी 5 और x प्लस एक्स क्या होगा, 2x + 4 इज इक्वल टू 80। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको, यहाँ से 5 को इधर भेज देता हूँ, तो 2x + 4 इज इक्वल टू 80 और डिवाइड बाई 5, तो ये कट गए तो 16 आ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से 2x + 4 इज इक्वल टू 16, तो 2x आपका कितना हो गया, 16 - 4, 2x इज इक्वल टू 12 हो गया। x इज इक्वल टू कितना, अगर 12/2, इसको यहाँ से डिवाइड किया, 2 1 2 6, x इज इक्वल टू 6 आ गया। तो x हमारा क्या था, यहाँ से स्टूडेंट्स, x हमारे फर्स्ट पैरेलल साइड, x फर्स्ट पैरेलल साइड, तो फर्स्ट पैरेलल साइड, फर्स्ट पैरेलल साइड, उसको बी वन से करते हैं, ये कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर, और सेकंड पैरेलल साइड को हम किससे डिनोट करते हैं, बी टू से, ठीक है, वो 6 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो 6 + 4 क्योंकि एक साइड दूसरी साइड से 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो 4 सेंटीमीटर भी, तो 4 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 + 4 10 सेंटीमीटर हो जाएगा वो, बिकॉज इसमें कर सकते हैं बी टू इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 था वो, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग अपना ये वाला क्वेश्चन कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स, हम अपना 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, तो इसमें देख लेते हैं, द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपिजियम आर इन द रेशियो 5:3, ठीक है। तो 5 और 3 के रेशियो में, तो मैंने पहले पैरेलल साइड को बी वन यहाँ पे माना है 5x, और ये दूसरी बी टू, ये 3x है, 5:3 का रेशियो ले लिया। एंड अदर साइड 10 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड जो 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दे रखें। ए पैरामीटर ऑफ ट्रेपिजियम 92 सेंटीमीटर, तो पैरामीटर इसका 92 सेंटीमीटर है, और डिस्टेंस बिटवीन पैरल साइड है ये, यानी एच है वो 12 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ से ये दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरल साइड एंड एरिया ऑफ द ट्रेपिजियम। आपको पैरल साइड्स हैं उनकी लेंथ निकालनी है और ट्रेपिजियम का एरिया निकालना है। तो यहाँ से हम अपना लिखना स्टार्ट कर देते हैं। तो पैरीमीटर का फार्मूला इसमें क्या रहेगा, यहाँ से 5x + 3x + 10 और +10, इसका सारे का जोड़ दिया। तो पैरीमीटर अभी देख देख कितना रखा है, पैरीमीटर देखा 92,
ठीक है, तो 92 इज इक्वल टू 5x और ये 3x, 8x हो गए, 8x प्लस 20, दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, 8x इज इक्वल टू, ये 20 को मैं इधर भेज देता हूँ, तो 92 माइनस 20 हो गया, तो 8x आपका कितना हो गया 72, और 8 वन जा 8 9 जा, ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज x आपका कितना आ गया 9, और ये किसमें दे रखा है सेंटीमीटर, तो x की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ गई है, 9 सेंटीमीटर हो गया। अभी फर्स्ट पैरेलल साइड, यानी फर्स्ट पैरेलल साइड आपकी मैंने B1 ली है, B1 फर्स्ट है 5x है, तो 5x का मतलब क्या है, दिस मतलब 5 मल्टीप्लाई एक्स का मतलब कितना हो गया 9, तो ये 45 सेंटीमीटर हो गई है, कितनी हो गई, ये 45 सेंटीमीटर आपकी आ गई है, ठीक है। उसके बाद सेकंड पैरेलल साइड का यानी B2, वो कितना है, वो आपका 3x है, तो 3 मल्टीप्लाई 9, तो ये कितना आ जाएगा 27 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। अभी एरिया ऑफ ट्रेपियम, यहाँ से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपियम का एरिया निकालने के लिए फार्मूला 1/2 × h B1 + B2, ठीक है, तो 1/2 तो ऐसे कैसे रहेगा, h आपका कितना है, h यहाँ पे 12 है, तो 12, और यहाँ पे B1 कितना है, यहाँ से B1 आपका यहाँ पे निकला है 45 और प्लस 27, ठीक है, तो 2 × 1 = 2 = 6, तो ये आ गया 6 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो ये 45 और 27 तो कितने हो गए, 2 हो गए, और ये 72 हो गए, ठीक है, 72, ठीक है, तो 6 × 2 = 12 हो गए, 6 × 7 = 42 और 43, 432 सेंटीमीटर स्क्वेयर हो गया, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपिजम आपका 432 स्क्वेयर सेंटीमीटर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग ये वाला क्वेश्चन अपना कर सकते थे। अभी स्टूडेंट्स हम अपना होमवर्क का देख लेते, तो होमवर्क में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, सोल एक्सरसाइज 11.6 इन फेयर नोटबुक, तो हमें 11.6 एक्सरसाइज को फेयर नोटबुक में बहुत ही अच्छी तरह से सोल्व कर लेना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।